हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक मेट्स। आज की वीडियो में हम बनाएंगे पार्ट टू पावर पॉइंट से एनिमेशन बनाने का, जहां पर आपको एनिमेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो स्क्रीन के पीछे आपको दिख रहा है पावर पॉइंट, तो बिना टाइम वेस्ट करे बकवास करे इंट्रो वाली शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं पार्ट वन बना चुका हूँ इस वीडियो का, जहाँ पर मैंने बाउंसिंग बॉल का एनिमेशन बनाया था। तो ये वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके वहाँ पर देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम एनिमेशन बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने एक ब्लैंक स्लाइड ली है यहाँ पर, और यहाँ पर हम कलर्स का यूज़ करेंगे, तीन बॉल्स का यूज़ करेंगे, यानी थोड़े ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स कर देंगे। पहले एक बॉल थी जो मूव हो रही थी, अब थोड़े ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स कर देंगे यहाँ पर। और अब एनिमेशन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर तीन बॉल बाउंस हो रही होंगी, और जितनी बार वो टकराएंगे उतनी बार उनका कलर चेंज होगा। तो यहाँ पर जाके एक बैकग्राउंड ले लेते हैं कोई सा। इंसर्ट पर जाना है आपको, नहीं इंसर्ट पर नहीं, डिज़ाइन पर जाकर आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, और सॉलिड फिल में कलर चूज करना है। यहाँ पर कलर आप सब कोई सा लाइट कलर ले लेते हैं, यहाँ पर जो ये रहा ये कलर ले लेते हैं हम। यहाँ पर जाकर हमें बॉल्स लेकर आना है, अपनी इंसर्ट पे जाना है हमें, और स्लाइड सेलेक्ट करना है। स्लाइड सेलेक्ट करने के बाद हमें शेप लेना है, बेसिक शेप लेते हैं हम, ओवल नहीं, हमें लेना है सर्कल। तो ये रहा हमारा सर्कल। तो हमारी बॉल्स कहाँ होंगी, एक बॉल यहाँ होगी। तो आप शिफ्ट प्रेस कर दीजिए ताकि बॉल का शेप सही आए। तो एक बॉल यहाँ होगी, अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। एक बॉल ऊपर से नीचे आएगी हमारी, तो ऐसा मोशन होगा, इस बॉल का ऐसा होगा जो एनिमेशन बनने के बाद, इस बॉल का ऐसा होगा। और एक और जो बॉल होगी हमारी वो इधर रख देते हैं हम, तो इस बॉल का ऐसा मोशन होगा, और जितनी बार ये टकराएंगी उनका कलर चेंज होगा। तो ये हमने सेटअप कर दिया यहाँ पर। अब करना क्या है हमें, सिंपली इनको सेटअप करने के बाद हमें अब स्लाइड्स कॉपी करना है और पेस्ट करते आना है। तो सबसे पहले हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, इनका क्या कलर लेंगे हम। इंसर्ट पर जाकर इनका कलर चूज कर लेते हैं फॉर्मेट में आके। तो इस बॉल का कलर मैं ले लेता हूँ येलो, और इसका कलर ले लेता हूँ मैं अपना ये, और इसका कलर हम ले लेते हैं ब्लैक। तो ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं कलर्स इनके मुकाबले, तो मैंने ले लिया है सब यहाँ पर। तो अब देख सकते हैं आप, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं ग्रीन आईस। हाँ, तो ये हमारी बॉल्स हैं। बैकग्राउंड कलर हम चाहें तो और अच्छा ले सकते हैं कोई सा, तो वो ले लेता हूँ मैं येलो, नहीं ये ले लेता हूँ, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, तो हम ले लेते हैं ये भी नहीं लग रहा अच्छा। हाँ, तो हमने ये बैकग्राउंड कलर ले लिया है यहाँ पर। तो अब हम अपना एनिमेशन स्लाइड कॉपी करके पेस्ट करना है। तो दोस्तों, इसका जो मोशन होगा यहाँ पर, जो इस स्लाइड का मोशन होगा वो हम करेंगे ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, ऐसे जाएगी बॉल और ऐसे टकरा के नीचे आएगी। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें इनकी पोजीशंस चेंज करते जाना है हल्की हल्की सी। तो हम इसको ऊपर कर देंगे हल्का सा, और इसको नीचे कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे, ऐसे हमें करते जाना है। मैं आपको बता देता हूँ दो तीन एग्जांपल लेके। तो इस तरह आपको एनिमेट करते जाना है। तो यहाँ अब हमारी बॉल्स एक लाइन में आ गई है पैरेलल बिल्कुल, तो हम देखते हैं किस तरह ये होगा। तो यहाँ जो हमारी बॉल्स है पूरी एक लाइन में आ गई है, तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया इसको ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जितनी जल्दी हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बता दूं ये एनिमेट कैसे होगा। और ये हो गया हमारा, अब ये बॉल नीचे जाएगी इस तरह, और ये जो दो बॉल्स होंगी वो इस तरह जाएंगी, ठीक है ना दोस्तों। हम इसको और आगे एनिमेट करते जाते हैं कॉपी करके पेस्ट करके, तो बहुत ज्यादा स्लाइड्स होंगी ये। तो दोस्तों, यहाँ हम स्टेज पर पहुंच गए हैं हमारी एनिमेशन की। तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने एनिमेट कर लिया है शुरू से यहाँ तक कि बॉल हमारी मूव हो रही है। तो यहाँ से हमारा एनिमेशन चल रहा था, तो आप देख सकते हैं इस तरह बॉल मूव हो रही थी। अब हम इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि जब बॉल टच होगी ऊपर तो वो थोड़ा सा बेंड होगी और उनका कलर चेंज होगा। तो वो चीज़ हम यहाँ डाल देते हैं, इससे बॉल पर नहीं होगा क्योंकि अभी बॉल वहाँ तक पहुंची नहीं है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम, तो ये ध्यान से देखिएगा आप, जो अगर उसे जल्दी से हम कलर चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर जब ये बॉल वो होगी टच, तो ये हल्की सी बेंड होगी, ठीक है ना दोस्तों। और हम इसको चिपका देंगे, और ये बॉल भी हल्की सी बैंड हो जाएगी,
यहाँ पर अब इनका कलर चेंज कर देते हैं हम यहाँ फॉर्मेट पे जाके हम इसको कलर दे देते हैं ब्लैक और इसको कलर दे देते हैं हम ब्लैक और इसको कलर दे देंगे हम येलो तो कलर स्विच हो जाएंगे यहाँ पर। तो वही चीज़ हम इसको कॉपी करके नीचे लाएंगे जब तो उसको हम बैकग्राउंड कलर हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हर स्लाइड पर वो अलग से होता है कलर। तो अब इसको हम वापस से बड़ा करके इधर कर देंगे और पिछली वाली स्लाइड में हमें इसका मूवमेंट और नीचे करना है तो ये हो गया। अब हम इसको बड़ा करके नीचे कर दिया लेकिन थोड़ी सी मुड़ी रहेगी बाउंस होने के बाद भी ये और इसको भी नीचे कर दिया हमने और हल्का सा इसको बढ़ा देंगे ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया हमारा। अब हम देख सकते हैं नीचे करके किस तरह जा रहा है हमारा एनिमेशन तो और हमें इसको नीचे करना पड़ेगा। ये अनियन स्किनिंग भी कहला सकती है अगर आप देखें कि हमें पता चल रहा है एनिमेशन क्या हो रहा है। देखिए कलर स्विच इसको थोड़ा हमें बड़ा करना पड़ेगा ये थोड़ा ऑड लग रहा है। हाँ दोस्तों तो ये अब हुआ है सही बिल्कुल। तो अब हम आगे चलते हैं। अब ये वाली बॉल नीचे टकराएगी वो दोनों नीचे आएंगी तो इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ और आगे चलते हैं एनिमेट करते हुए। तो ये कर लिया हमने अब इसको और प्रॉपर शेप में कर देंगे। ये वापस सही हो जाएगी बॉल और नीचे आ जाएगी ये बॉल भी सही होके नीचे आ जाएगी और ये टकराएगी इसको मोड़ देते हैं हम और इसका कलर हम कर देते हैं बहुत शानदार। जो लेते हैं हम कौन सा कलर जो बचा है हमारे पास वो बचा ही ये तो हम ये कलर ले लेंगे इसके लिए ठीक है ना दोस्तों। अब देखते हैं हम कैसा बनाए हमारा एनिमेशन आ कैसा रहा है। ये टकराया ये रिलीज हुई ये दोनों टकरा गई ठीक है ना दोस्तों। अब ये ऊपर जाएंगी ये दोनों नीचे आएंगी तो इसको हल्का सा और मोड़ना है हमें। तो अब नेक्स्ट स्लाइड हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं यहाँ पर ये दोनों नीचे आएंगी। मैं जल्दी जल्दी अब फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और ये बॉल सही होके ऊपर आएगी ठीक है ना दोस्तों। अब इसका और शेप सही कर देंगे हम अगली स्लाइड में। और ऊपर कर देंगे इसको और देखते हैं हम कैसा है। तो यहाँ पर और बॉल्स नीचे कर देंगे तो हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं इसका भी ये और इसका भी ये। तो अब हम देख सकते हैं हमारा एनिमेशन कैसा बनता हुआ आ रहा है तो हमें दिख जाएगा यहाँ पर ये बॉल मूव हो रही है ये बॉल टकराई और इस तरह ठीक है ना दोस्तों। अब हम इसको कॉपी करके नीचे लाएंगे अब और इसको इनको नीचे कर देंगे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा मुझे शायद। तो दोस्तों इस तरह हमें एनिमेट करते जाना है। मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पर कि बॉल्स किस तरह मूव हो रही हैं। अब ऊपर नहीं अब वापस वो टकरा कर नीचे आ गई हैं यहाँ पर तो अब हम एनिमेट करते जाएंगे। मैंने स्लाइड स्किप भी कर दी है बहुत सारी आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड कर दी है उनको ताकि ये एनिमेशन जल्दी कम्प्लीट कर लें हम। ब्लैक वाली हमें पहुंच चुकी है बॉल और ये भी ऑलमोस्ट पहुंचने वाली है और वापस जब ये टकराएंगी ऊपर तो इनका वापस कलर वही हो जाएगा जो शुरू में था। तो हमारी ये वापस से हो जाएगी येलो ये हो जाएगी ब्लैक। तो मैं देखता हूँ किस उसमें जा रहा है ये बिल्कुल सही जा रहे हैं हम और अब पेस्ट कर देते हैं इस तरह से देखना है येलो बॉल का मूवमेंट। तो ये टकराई हल्की सी मुड़ेगी ये तो ये हो जाएगी येलो। तो टकरा गई है बॉल्स यहाँ पर। अब इनका कलर हम वही कर देते हैं जो पहले था ये येलो थी ये ब्लैक थी और ये हो गया। अब जो हुआ अब हम देखते हैं ये कैसा जा रहा है। अल टकराई तो अब ये इधर पहुंच गई इस मोमेंट पर है ये बॉल टकराई नहीं है। अब जो हुआ अब क्या होगा ये वापस बॉल्स रिलीज हो जाएंगी सही बिल्कुल शेप में और ऊपर आ जाएंगी और ये वाली भी किसी ऊपर आ जाएगी लेकिन थोड़ी सी मुड़ी भी रहेगी।
और ये टकरा जाएगी, इसका कलर हो जाएगा चेंज जो शुरू में था। शुरू में क्या कलर था हमारा बॉल का, जो था ग्रीन, तो इसको टकरा के हम इसको ग्रीन कलर में दे देंगे, तो ये ग्रीन कलर में आ जाएगी जब ये टकराएगी बॉल, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया, अब क्या करना है हमें, अब अगली स्लाइड बस ख़त्म पर ही हमारा एनिमेशन। यहाँ पर हम बॉल्स के शेप सही कर देंगे जो बिल्कुल शुरू में थे। ये तो हो गया, ये तो सही हो गया, ये सही हो गया, तो ये तो दोस्तों अब हमारा एनिमेशन बन चुका है। मैं जल्दी से बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। दोस्तों ये आपको लग रहा होगा आसान है, मगर ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है। जब दो हम तीन ऑब्जेक्ट्स को हमें तीनों की पोजीशन देखना है और तीनों का एनिमेट करना है, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक टाइम पर। तो अब हमारा एनिमेशन देखते हैं हम शुरू से स्लाइड शो पर प्ले करके। तो दोस्तों अब हम एनिमेशन देखते हैं, तो आपने देखा मैंने बीच में स्लाइड से कलर भी चेंज करा है, जिससे लग रहा है कि यार वो बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, देखिए कितने अच्छे लगेगा ये। तो आपने देखा दोस्तों ये है एनिमेशन जो हमने बनाया है। हम स्लाइड शो करके भी इसको दिखा देता हूँ मैं आपको एक और बार। तो दोस्तों ये थी वीडियो। तो दोस्तों देखा आपने पावर पॉइंट का यूज करके हम कितना अच्छा एनिमेशन बना सकते हैं। ये पार्ट टू था जहाँ पर हमने दो तीन बॉल्स का यूज़ करा था। पहले हमने एक ही बॉल का यूज़ करके एनिमेशन बनाया था, पार्ट थ्री में हमने कलर चेंज करा बाउंस होने पर और बैकग्राउंड कलर लिया। तो इसी तरह हम और आगे बढ़ेंगे एनिमेशन में और थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ाते जाएंगे और अच्छे अच्छे एनिमेशन बनाते जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर देना वीडियो को, आप लोग करते ही नहीं हो शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना अगर कोई डाउट हो, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा हो या कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको बताऊं। और तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।